Hello friends, welcome again to the world of maths by Amiye. Now, first of all, I'm really sorry ki maine 1911 aapke saath nahi de paya. That is live. I'll give the another test live with you. Kaise dena chahiye, nahi dena chahiye. The reason behind that I was not taking 1911 with you is yesterday I missed my laptop charger in my office only. To iske karan main last yesterday ka class bhi nahi liya. Main class nahi le paya, to I thought ki okay chalo mock dete hain. एंड देन मैंने मॉक को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया ऑन माई पैड, बट पैड में एक पंगा हो गया कि आई डोंट नो समहाउ कभी भी वो शायद 15-20 मिनट या 30 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस, और मैंने इसको गौर नहीं किया तो मॉक रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया. तो आई एम रियली सॉरी, दैट इज वन ऑफ द एक्सक्यूज यू कैन से. एनीवे, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्ट्रेटेजी ऑफ दिस मॉक. मैं इसे स्टार्ट करता हूँ. तो इस मॉक को देने के पीछे मेरा माइंडसेट एक यही था कि आई हैव टू स्कोर द मैक्सिमम. लास्ट मॉक जो मैंने दिया है, एंड आप अगर देखना चाहो तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें था कि मुझे स्टूडेंट माइंडसेट के हिसाब से देना है. अगर आप नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हो तो यहाँ मेरा माइंडसेट था कि मुझे बेस्ट देना है. तो प्लीज एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रेटेजी इज टू पर्सन, जनरल स्ट्रेटेजीज नहीं होते हैं. सम पर्सन से कि ओके फेज वाइज सॉल्व करो, फेज ए में, इवन मैं भी बहुत बार बोलता हूँ कि फेज वाइज सॉल्व करो, फर्स्ट फेज में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो जो आप पहली बार में सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड फेज में दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो जो पहली बार में सॉल्व नहीं हुए थे या आपने मार्क रिव्यू डाला था. दिस स्ट्रेटेजी इज फॉर द पर्सन हु वॉन्ट्स द एवरेज स्कोर. अगर आप 99 चाहते हो तो मैं आपसे एक ही बोलना चाहता हूँ, डू नॉट सॉल्व इन द फेज वाइज, ट्राई टू मेक अ सिंगल फेज एग्जाम. आप उसे सिंगल फेज एग्जाम, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल फेज एग्जाम, आई हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन और आई हैव टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस. इट मींस व्हाट, क्वेश्चन नंबर वन आई हैव टू सॉल्व, क्वेश्चन नंबर टू आई हैव, दिस इज ओनली फॉर द 99 प्लस परसेंटाइल. क्वेश्चन नंबर वन आई हैव टू सॉल्व, क्वेश्चन नंबर टू आई हैव टू सॉल्व, क्वेश्चन नंबर थ्री, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ओनली विथ वन कंडीशन, मी माइसेल्फ अमीये हैज अ फियर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन को अवॉइड करूंगा पहली बार में. दैट इज वन थिंग. सेकंड, आई हैव अ फियर ऑफ कैलकुलेशन, तो मैं कैलकुलेशन को अवॉइड करूंगा. अगर मैं कैलकुलेशन में कहीं भी फंसा या इफ आई फील कैलकुलेशन लेने, मैं इसको छोड़ूंगा. तो दिस इज अगेन अ सेम वे, क्योंकि फेज वन फेज टू, बट मैं इसे फेज का नाम नहीं देना चाहता हूँ. इन द फेज एग्जामिनेशन माई कंसेंट्रेशन वॉज 30-45 मिनट्स में मुझे एक बार क्वेश्चन को देख लेना है. दैन रिमेनिंग 30-15 मिनट्स में मैं दूसरे फेज में बाकी जो मार्क रिव्यू है सॉल्व करूंगा. मेरा कहीं एम नहीं होता है एवरेज स्टूडेंट की तरह 100% क्वेश्चन सॉल्व करना है. यहाँ मेरा एम है कि मैं 100% क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. आई एम नॉट सेइंग आई एम गोइंग टू सॉल्व द 100% क्वेश्चन. माई एम इज आई हैव टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन पॉसिबल, मतलब मैं ही टॉपर होना चाहता हूँ. वी हैव टू सी द सॉल्यूशन एंड एनालिसिस. इफ यू गो टू द QA, अगर आप QA के क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करोगे, एक्यूरेसी भी मेरी बुरी नहीं है, एक भी गलत नहीं हुआ. आई लेफ्ट 4 क्वेश्चन इस टाइमिंग में. क्वेश्चन नंबर 14 मैंने टोटल क्वेश्चन टेस्ट सॉल्व किया था 15 मिनट्स में, देन दो क्वेश्चंस ने मेरे को टाइम बर्बाद करवा दिया. दैट्स माय ओन फॉल्ट. 19 अगर मैं ट्राई करता बाद में तो बन जाता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है. सॉरी 14, क्वेश्चन नंबर 19 ने मुझको फंसा दिया. फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन द 14 आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विश बॉल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. दैट्स माय फॉल्ट. मैंने समझा क्या कि 14 आइडेंटिकल है, दैट शुड बी द मल्टीनोमियल क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14. देन उसमें भी दिमाग लगाया, डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. अब इन्होंने जो 3 ग्रुप्स लिखा है, देयर मीनिंग इज 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स. डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स बोलने का मतलब कहीं नहीं होता है कि, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन अगर मैं लैंग्वेज मैं सेट करता तो आई सेइंग ओके वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. Irrespective of groups, we say the parts, because groups can be identical, cannot be identical. We have group 1, group 2, group 3, but parts are always identical. We have to divide 16. Agar ye likh ke mujhko de dete ki 14 identical and indistinguishable balls can be divided into 3 parts, I'm not saying they are wrong, but my understanding of groups is different from their understanding of the groups. Anyway, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग और उनके अंडरस्टैंडिंग, दैट इज क्वेश्चन सेटर के अंडरस्टैंडिंग में मैच नहीं करे, इफ देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन योर कंसीडरेशन एंड देयर कंसीडरेशन, आई वुड से प्लीज लीव द क्वेश्चन और ट्राई टू गेट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज एंड ऑप्शन में जो क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करो. तो मेरा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था इन्होंने, दैट इज 3 ग्रुप्स, तो मैंने क्वेश्चन को छोड़ा था. बाद में मैंने ट्राई किया एंड आई गेट, ओके आंसर इज बहुत ईजी है, एलक्वेंस सीक्वेंस डालेंगे आंसर निकल के आ जाएगा.
Question number 26. Again, long grid, unit square, several horizontal, vertical, straight line. बहुत ज़्यादा था. Question बहुत ज़्यादा नहीं है. ये है. तो मैंने इसको छोड़ा. 950 minutes में दिया. 67.65 liters question में मैंने miss कर दिया कि it is a 2 liter bottle. ये जो 2 liter bottle word है, मैं बार बार miss कर रहा था. Because आपके पास होता है in the maths, the biggest problem in the maths is, अगर आप कोई एक mistake करना start करते हो, तो बार बार repeat करते हो. तो क्वेश्चन नंबर 30 आई ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड एंड नॉट एबल टू फिगर आउट कैसे होगा ड्यू टू बिकॉज आई मिस दिस वन. तो इफ यू वांट 99 प्लस स्कोर सॉल्व ट्राई टू सॉल्व द मैक्सिमम क्वेश्चन पॉसिबल. आई एम नॉट सेइंग द 100% बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे 28 29 क्वेश्चन करने हैं. आउट ऑफ 34 क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन नहीं किया. दैट इज इन द फर्स्ट गो. मैं दोबारा लौट के ऑन दिस 4 क्वेश्चन में हुआ था. दैट इज 14 इज द लॉन्ग क्वेश्चन. मैं दोबारा पढ़ने की कोशिश किया. मेरा मूड अच्छा नहीं था. आई हैव थिंक कि अच्छा 30 क्वेश्चन हो ही चुका है. निगेटिव मार्किंग मुझको करनी नहीं थी. 19 मुझको क्वेश्चन में मिस हो गया. 26 इज अ लॉन्ग क्वेश्चन. मेरा फियर है. 30 आई मिस द 2 लीटर बॉटल्स. तो यही है. तो अगर आप स्ट्रेटेजी चाहते हो हाउ टू टेक द मॉक, इवन यू आर गेटिंग 20% गेटिंग 50% गेटिंग 70% और 90% और इवन 99% I would say, please, कोई भी रिसेंट मॉक का आप मुझको एनालिसिस भेजो. दिस वन द एनालिसिस का मतलब आप बी टाइम सी एल कैरी लॉन्चर टेस्ट फंडा या कोई भी दे रहे हो या हमारी मार्क्स अगर आप दे रहे हो सेक्शन टेस्ट एनी वे दैट इज द एनी थिंग. तो आप मुझको अपना परफॉर्मेंस स्नैपशॉट निकाल दो, एनालिसिस निकालो, जो भी बोलते हैं उसे निकाल के आप मुझको भेजिए. देन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ क्या है नहीं. आई वॉन्ट योर स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वैल्यू. आप मुझे ये भेजो. देन आप जिस सेक्शन में चाहते हो उस सेक्शन का भेजो. आई हैव ऑलमोस्ट ऑल द मॉक्स. मेरे पास सारे मॉक्स हैं. आई एम टेकिंग. मैं खुद से उन्हें दे रहा हूँ, खुद से मॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ. तो यही है. एनीवे अगर ऑल इंडिया परफॉर्मेंस देखते हैं तो ऑल इंडिया परफॉर्मेंस द टॉपर स्कोर इज कट ऑफ मार्क्स 33 था. टॉपर गॉट 87. मतलब टॉपर 100% वो था. मेरा स्कोर कितना आ रहा है. नेट स्कोर इज नथिंग बट 90. यही मेरा नेट स्कोर है. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द एक्यूरेसी. प्लीज एक्यूरेसी बना के रखिए. परसेंटेज स्कोर दिस परसेंटाइल शायद वो दिखाते नहीं है उसके बाद आई थिंक. लेकिन परसेंटाइल तो अंडरस्टूड है कि कितना आना चाहिए. एनीवे तो इफ यू वांट टू डिस्कस योर स्ट्रेटेजी व्हाट शुड बी योर बेस्ट स्ट्रेटेजी आई वुड से टेक अ मॉक. स्क्रीन शॉट भेजो आप मुझे अपने एनालिसिस का. जिस सेक्शन का देना चाहते हो उस सेक्शन का स्क्रीन शॉट भेजो. दैट इज द सॉल्यूशन एंड एनालिसिस का वो जो आपका पैलेट आता है क्वेश्चन पैलेट कितना सही है कितना गलत है. देन वी विल डिस्कस ओवर द चैट और द फोन. ओके आई एम रियली सॉरी कि मैं लाइव नहीं दे पाया. तो मैं अगले टेस्ट को ट्राई करूंगा लाइव आने के लिए. तो इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू पिंग मी इधर ऑन व्हाट्सएप इफ यू हैव माई नंबर और द फेसबुक. ओके बाय बाय. थैंक्स. हैप्पी लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू.